क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा जोर से बोलेगा। 20 आरी में सैपिलाइजर कितने तो पे दिया? दो बार दो बार। 1 किलो दो थैली दी है ना? दो दो थैली। तेरे सैपिलाइजर देने से डोडे की साइज छोटी हुई है बड़ी हुई है? बड़ी क्या क्या इस फसल में कोई नुकसान हो रहा है तेरे? क्या नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस डोडे की जो साइज है वो साइज देखने काबिल है। और ये किसका है? भाई साहब का है, ये तेरे किसका है? भाई साहब का है। भाई साहब ने सैपिलाइजर डाला क्या? नहीं नहीं डाला है। नहीं डाला। तो नहीं। इसमें इनमें डोड़ों की साइज में अंतर है क्या? ये भाई साहब का क्या नाम है जो मैं किशन अभी फोटो बता रहा हूँ? किशन भाई। किशन जी दिल्ली। तो इसमें इन्होंने सैपिलाइजर नहीं डाला, नहीं डाला। तो इनमें डोड़ों की साइज में अंतर है? हैं बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अंकल जी आप बताना इतपाक से इस ओपियम में इसके शांतिलाल जी के ओपियम में और इस ओपियम में क्या अंतर फर्क है? है सर, अंतर है। इनमें डोड़े बड़े हैं, बीमारी भी कम आई है, और इनमें देखो तो पिलास ज्यादा है और इनमें इसमें कम। जो नीचे की साइज नीचे की साइड में जो हाँ सर जो पत्तों का पत्तियां गिरी बर्निंग हो हुई रही है वो बिल्कुल कितनी है? ज्यादा और है, इस साइड में देख लो आप, नहीं तो कम है भाई। बर्निंग वो तो पके हुए पत्ते जा रहे हैं सही है, सारे। और इसकी जो हाइट है वो हाइट भी ऊंची है। ये 20 तो अलग अलग नहीं है, 20 तो एक ही एक अलग अलग है, अलग अलग है सर। पर ये 20 डोड़ों की साइज भी छोटी है। और जो ग्रीननेस आनी चाहिए वो ग्रीननेस इसमें और इसमें फर्क है, पत्तों में भी, फ्लावरिंग में भी, फूलों में भी और पौधों की संख्याओं में भी अंतर है। डोडे की हाँ साइज सर में अंतर है ना? बिल्कुल आप तो है सर, थर्ड पार्टी हो ना, बिल्कुल है सर। तो आपको क्या क्या लगा इसमें? सैपिलाइजर मुझे क्या काम करता है? सैपिलाइजर ने अच्छा कार्य किया है। ये पौधे हैं ना, हाँ ये जो डोडा है वो बड़ा है, इसमें तो माल ओपियम भी तो उस बिल्कुल हिसाब से उतना देगा भी ना। अच्छा होगा। सैपिलाइजर काम करता है।